नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। श्रावस्ती के भिंगा कोतवाली की एंटी रोमियो टीम ने स्कूल, मॉल और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सक्रियता दिखाते हुए छात्र छात्राओं को आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। साथ ही टीम ने छात्र छात्राओं को हेल्पलाइन नंबर की भी जानकारी दी है। वहीं टीम ने छात्र छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने के तरीके भी बताए हैं। रामपुर में रेलवे स्टेशन पर अपना दल की अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि वो बरेली में सोहन लाल पटेल के कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। वहां से रामपुर में अपना दल के कार्यकर्ताओं ने भी आने का न्योता दिया था, इसलिए ट्रेन से पहुंची। मीडिया के सवालों से घिरी अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि अपना दल ने 1 करोड़ सदस्यता अभियान चलाकर अपना टारगेट पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में रणनीति तैयार कर प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी। सोहेल लाल पटेल साहब ने आज परिनिर्वाण दिवस पर जनपद बरेली में एक विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उसमें जनपद के कोने कोने से उनकी विचारधारा के समर्थक बड़ी संख्या में उन्हें नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। उसी कार्यक्रम में शिरकत करने के उपरांत मैं यहाँ से वापस जाना, क्योंकि अभी बाकी विधानसभा संगठन हमारा संगठन तेजी से तैयारी कर रहा है और समय आने पर निकाय चुनाव में भागीदारी के संबंध में पार्टी के निर्णय को भी रखेंगे। बलरामपुर में पिछले दिनों आई बाढ़ से जिले में करीब 1500 परिषदीय विद्यालय और 10 कस्तूरबा स्कूल प्रभावित हुए हैं। इन स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 2.5 लाख से अधिक छात्र छात्राएं प्रभावित हुए हैं। इन विद्यालयों में 10 दिन बीत जाने के बाद आज भी 400 से अधिक विद्यालय हैं जो बंद पड़े हैं और लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। पिछले दिनों जिले में आई बाढ़ से 1814 परिषदीय विद्यालयों में करीब 1500 से अधिक बाढ़ का पानी भर जाने या रास्ते खराब हो जाने के कारण प्रभावित हुए हैं। इन स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 2.5 लाख बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। जनपद बलरामपुर में जो वर्तमान जो हमारी विद्यालय संख्या है लगभग 1814 हमारे परिषदीय उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय हैं, जबकि 11 कस्तूरबा हैं। बाढ़ की वजह से लगभग 1500 विद्यालय हमारे परिषदीय विद्यालय प्रभावित हुए, कुछ मार्ग प्रभावित होने से प्रभावित हुए और कुछ में जल भराव की समस्या के कारण प्रभावित हुए। इसके अलावा 11 कस्तूरबा से केवल एक नगर क्षेत्र का कस्तूरबा हमारा बाढ़ से जो है वो ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ, अन्य 10 कस्तूरबा बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हुए। वर्तमान में अगर हम बात करें तो लगभग हमारे 400 विद्यालय परिषदीय विद्यालय बाढ़ से प्रभावित है। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम के नवनिर्मित परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। सबसे पहले ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज जी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम के ऐसे कर्मचारियों को सम्मानित और दीपावली का गिफ्ट दिया जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया था। साथ ही सफाई कर्मचारियों को भी उन्होंने अपने हाथों से सम्मानित करते हुए दीपावली का उपहार दिया। इस दौरान उन्होंने 282 करोड़ की लागत से कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मंच पर कई विधायक, सदर सांसद के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष भी मौजूद रहे। खबर गाजीपुर से है, जहां आम घाट कॉलोनी में संपत्ति विवाद को लेकर के भाई और बहन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। साथ ही बहन ने भाई के ऊपर मारपीट और गाली गलौज का भी आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने उसके साथ हुए मारपीट का फुटेज भी दिखाया है। अपनी बातों को अपने भाई और उनके वाइफ के संबंध में जो भी आए दिन टॉर्चर करती रहती है मुझे और मेरी बहन, छोटी बहन जो अविवाहित है, विवाह वाला को लेके मुझे और मेरे बहन पे लांछन लगाया जाता है और कहीं भी जाते हैं तो उसके लिए उसको हम लोग को गाली गलौज से बात किया जाता है। मैं कई बार दिवाली में जा चुकी हूँ, इसके लिए गुहार लगाया, लेकिन शुरू में मेरी बातों को नहीं सुना जाता था। फिर इसके बाद धीरे धीरे जब मैं कई बार उसके लिए एप्लीकेशन डाला तो फिर मेरी बातों को समझा गया और उसके लिए फिर यही मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी अपनी बात को रखा था और महिला आयोग में भी बात को रखा था।
तो फिर उन्होंने फिर वहाँ से कि हाँ अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये आए दिन उससे इसी तरह से बदतमीजी से अश्लील बातें करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय गोरखपुर दौरे के उपरांत आज दूसरे दिन सुबह गोरखपुर मंदिर परिसर में दूर दराज से आए हुए फरियादियों की जनता दर्शन में एक एक कर सबकी फरियाद सुनी, साथ ही संबंधित अधिकारियों को सभी लोगों के मामले का निस्तारण जल्द से जल्द करने के आदेश दिए। 228 परियोजनाएं यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास की जा रही है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा 52 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। पार्षद गणों के द्वारा इन सभी वार्डों में पार्षद की निधि से जो धनराशि अवमुक्त की जा रही है उन सब पर कार्य हो रहा है। प्रत्येक वार्ड के लिए 25-25 अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, कूड़ा प्रबंधन के साथ साथ अलग से 100 मिनी नलकूप और एक बड़े गहरे नलकूप, इन सब को लेकर के 280 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां पर शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। बाराबंकी में देवा महोत्सव में स्टार कॉमेडियन और चिंकी मिंकी के कार्यक्रम को रोकना पड़ा। स्टेज के पास हंगामा होने पर किसी तरह चिंकी मिंकी को सुरक्षित निकाला गया। वहीं शोहदों और हुड़दंगियों ने बैरिकेटिंग तोड़कर एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी। उपद्रवियों को काबू करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ी। इसके बाद हालात काबू में आए। खबर बुलंदशहर से है, जहां जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक समीक्षा बैठक डीएम चंद्र प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। डीएम ने सर्वप्रथम जननी सुरक्षा योजना में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही सभी एमओआईसी को सचेत करते हुए कहा है कि जननी सुरक्षा योजना सुरक्षित मातृत्व की दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो ये सुनिश्चित करता है कि माता और नवजात पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। अलीगढ़ के रसलगंज चौकी स्थित तेज रफ्तार रोडवेज बस ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। रोडवेज बस की टक्कर से व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रोडवेज बस चालक मौके से फरार हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने रोड पर जाम लगा दिया। वहीं मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस के साथ आला अधिकारी मामले को शांत करने में जुटे रहे। शहीद मुरिया वाले ने कल की थी, मेरे बेटे से तेरे बेटों को कल मरवा दूंगा। सही मुर्गा वाला मच्छीवाड़ी गली, हाँ। तो मैं पी खा के तो लड़ाई झगड़ा हो रहा था, मेरे बेटा आ गया ना, पापा चलो। तो उन्हें बात कह रहा था तेरे बेटों को कल मरवा दूंगा। तो मेरे बेटे की आज घटना हो गई, सही मुर्गा वाला मच्छीवाड़ी गली, हाँ। उसने बस से मरवा दिया, बस को 20,000 रुपये दे के 50 जो भी दिया हो उसे मरवा दिया। थाना बन्ना देवी में रसलगंज चौकी क्षेत्र में एक रोडवेज बस से एक व्यक्ति की आज दुर्घटना में मृत्यु हुई, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद उसके परिवारजनों द्वारा लिखित तहरीर दी गई है, जिस पे मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है उसकी जांच करते हुए की जाएगी। इसमें परिवारजनों द्वारा कुछ मांगे रखी गई थी, जिसमें जिसके संदर्भ में इनको आश्वासन दिया गया है यथासंभव मदद करने के लिए। फिलहाल मौके पे शांति कायम है और इनसे वार्ता करने के बाद आगे इनकी मदद का प्रस्ताव जो भी है वो भेजा जाएगा।
जालौन में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने कार सवार तीन लोगों को जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में एक सिपाही सहित तीन लोग घायल हो गए हैं। वहीं इलाज के दौरान सिपाही की मौत हो गई है। अगली खबर आगरा से है, जहां शमशाबाद में स्नातक छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन बांटे गए। स्मार्टफोन पाकर के छात्राओं के चेहरे खिल गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि उपस्थित रहे। शमशाबाद के गढ़ी थाना स्थित बांके बिहारी डिग्री कॉलेज में स्नातक के तकरीबन 359 छात्र छात्राओं में से 198 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किया गया। यूपी के पीलीभीत जिले में एआरटीओ और ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। यहां पर शहर के एक मशहूर स्कूल बैन हर पब्लिक स्कूल के बच्चे छुट्टी के बाद एक ई रिक्शा में बैठ करके घर जा रहे थे। उसी दौरान ई रिक्शा कोतवाली क्षेत्र में पड़ने वाले नेहरू पार्क के सामने जैसे पहुंचा तो अनियंत्रित होकर के पलट गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने ई रिक्शा से बच्चों को निकालना शुरू किया तो उनकी गिनती 17 पहुंची, जिसमें कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता में आज महाराजगंज जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निगरानी और अनुश्रमण समिति की एक बैठक हुई, जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई और संबंधित विभागों के अधिकारियों को सरकार की योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा कर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के दिशा निर्देश भी दिए गए। दिशा की बैठक में भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं होती हैं सबकी समीक्षा होती है और समीक्षा में बहुत से बिंदुओं पे हमारा जिला बहुत अग्रणी है और कुछ जगहों पे थोड़ी कमी थी, जिसका निर्देश दिया गया है कि उसको जल्द से जल्द पूरा करें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की अस्थि कलश लेकर के प्रयागराज पहुंचे। अखिलेश यादव ने संगम में आईपी घाट पर मुलायम सिंह यादव के लिए अस्थियों का विसर्जन किया। अखिलेश यादव दोपहर लगभग 1:30 बजे के आसपास संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। उनके पहुंचने पर भारी भीड़ ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच बैरिकेटिंग तोड़ करके अखिलेश यादव के पास पहुंच गई। पुलिस ने समर्थकों को संभाला और उन्हें दूर किया। खबर यूपी के औरैया जिले से है, जहां प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर के कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश भी दिए। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे, साथ ही कार्यकर्ताओं का अभिवादन भी स्वीकार किया। कार्यकर्ताओं ने केशव प्रसाद मौर्य का फूल मालाओं से स्वागत भी किया। बैठक के बाद डिप्टी सीएम जिला मुख्यालय ककोर के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर के लिए गर्भवती महिलाओं को फल वितरित किया। मुलायम सिंह यादव जी भैया नीचे करो, की अस्थियों के विसर्जन के जो पारिवारिक उनके संस्कार होते हैं निधन के बाद, वह सारे संपन्न कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव घोषित हो जाने दीजिए, फिर आपको जरूर हम लोग चुनाव के संबंध में बोलेंगे। लेकिन अभी तो हमारी विनम्र श्रद्धांजलि ही है नेताजी को और पूरे परिवार के लिए। फतेहपुर में 3 दिन पहले मां के साथ रात में भारत मिलाप देखकर के घर वापस जाते समय 15 वर्षीय किशोर की मां आगे निकल गई। तभी पहुंचे 3 युवकों ने किशोरी का अपहरण कर घर लेकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद युवक किशोरी को गांव के बाहर छोड़ करके चले गए। पीड़ित पिता ने आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है कि मामले में पुलिस जांच की बात कह रही है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अपने बेतुके बोल से लोगों के निशाने पर है। उन्होंने माता सीता और द्रौपदी की अति सुंदरता को भी अवगुण बता दिया है। इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, इस पर जनाक्रोश की बाढ़ आ गई है। कवि कुमार विश्वास ने भी इस पर तीखी टिप्पणी की है। गौरतलब है कि दमोह के
रहने वाले अनिरुद्धाचार्य का वृंदावन में आश्रम है, उनके लाखों भक्त हैं। पहले भी वो महर्षि वाल्मीकि पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर समाज का विरोध झेल चुके हैं। अवैध शराब और नशीले पदार्थ का सेवन कर उत्पाद मचाने वालों के खिलाफ पुलिस ने शुरू की मुहिम। एसपी के निर्देशन पर पुलिस ने देर रात्रि कई इलाकों में छापेमारी की है। अवैध शराब के 20 पौवे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने त्यौहार के मद्देनजर अवैध शराब और नशीले पदार्थ का सेवन कर उत्पात मचाने वाले 38 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने एक बार फिर पीएफआई को लेकर के बयान दिया है। शफीर उर रहमान मलिक ने कहा है कि पीएफआई के बारे में हमने कभी भी आज तक शिकायत नहीं सुनी है। बीजेपी केवल मुसलमानों को डराने के लिए सब कुछ कर रही है और पीएफआई के लोग मुल्क के गद्दार लोग नहीं हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के सांसद ने पीएफआई को राजनीतिक पार्टी बताते हुए कहा है कि पीएफआई पर बैन लगा दिया गया है, लेकिन आज तक कभी भी आरएसएस पर बैन नहीं लगाया गया। दो साल से फरार चल रहे 15,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाश के पास से अवैध शस्त्र भी बरामद किए हैं। सीओ ने पूरी घटना का खुलासा किया है। थाना नकासा जनपद संभल में पुलिस अधीक्षक श्रीमान चक्रेश मिश्र द्वारा के नेतृत्व में बदमाशों की धरपकड़ के लिए एक अभियान लगातार जारी है, जिसमें वांछित और इनामी बदमाश की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है, जिसमें थाना नकासा द्वारा गैंगस्टर में वांछित 15,000 का इनामी ग्राम मंडलाई के पास आज मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया, जिसमें उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा तथा 2 कारतूस, 1 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस बरामद किया गया है। उसके पूर्व में भी करीबन आधा दर्जन मुकदमे कायम है, अभी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। संभल में चौराहे का नाम बदल करके मुलायम सिंह यादव स्मृति चौक का बोर्ड लगाने वाले सपाई को पुलिस ने नोटिस दिया है। बगैर अनुमति बोर्ड लगाने पर पुलिस ने सपाई को अब नोटिस थमा दिया है। पूरा मामला धनारी थाना इलाके का है, जहां आर्थल चौराहे का नाम बदलने को लेकर के जिला पंचायत सदस्य कुंवरपाल सिंह यादव और उनके भाई महिपाल सिंह यादव ने चौराहे पर मुलायम सिंह यादव स्मृति चौक लिखा बोर्ड लगा दिया। पूरे मामले पर इन दोनों भाइयों ने शासन प्रशासन से नाम बदलने की कोई अनुमति नहीं ली थी। बीजेपी सरकार द्वारा जिले और सार्वजनिक स्थलों के नाम बदलने का विरोध करने वाले सपाइयों ने संभल में चौराहे का नामकरण मुलायम सिंह यादव के नाम पर कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से पहले दिन तो कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन जब ये खबर मीडिया की सुर्खियां बनी तो आनंद फानन में धनारी थाना पुलिस ने महिपाल सिंह यादव को नोटिस दे दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।